सरकार ने नई गाइडलाइंस से जारी की है, क्योंकि आज गाइडलाइंस जारी करना था सरकार को, गवर्नमेंट को, और बताना था कि जो सेकेंड लॉकडाउन है उसमें क्या क्या बंद रहेगा, क्या क्या खुलेगा, और किस तरीके से हमें इसे फॉलो करना है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। दोस्तों, कोरोना वायरस के चलते केंद्र की ओर से 3 मई तक के ये बढ़ाए गए लॉकडाउन 2 पर सरकार द्वारा बुधवार को नई गाइडलाइंस जारी की गई है। इस निर्देश के अनुसार खाने पीने और दवा बनाने वाली जो तमाम इंडस्ट्रीज हैं खुली रहेंगी। इसके साथ ही ग्रामीण भारत में सारे कल कारखाने खोलने का निर्देश दिया गया है। नई गाइडलाइंस के अनुसार मनरेगा के कार्यों को भी अनुमति दी गई है, जिसके तहत कहा गया कि सिंचाई और जल संरक्षण को प्राथमिकता दें। घर से निकलने पर मास्क जरूरी होगा और थूकने पर जुर्माना का प्रावधान लगाया गया है। नई गाइडलाइंस में कहा गया है कि ये सभी गतिविधियां राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा अनुमति के देने के बाद शुरू होंगी। हालांकि इससे पहले सोशल डिस्टेंसिंग के उपाय भी किए जाएंगे। और दोस्तों, गृह मंत्रालय अर्थात MHA COVID-19 प्रबंधन के लिए जारी किए गए राष्ट्रीय निर्देश में कहा गया है कि सभी सार्वजनिक स्थानों, कार्यस्थलों पर फेस कवर पहनना जरूरी होगा। वहीं सार्वजनिक स्थानों पर थूकना दंडनीय होगा और इसके लिए भारी जुर्माना लगाया जा सकता है। स्कूल कॉलेज सब 3 मई तक बंद किए गए हैं। MHA के निर्देश के अनुसार कहा गया है कि सिनेमा हॉल, मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, व्यायामशाला, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्विमिंग पूल सभी 3 मई तक बंद रहेंगे। इसके साथ ही शैक्षिक संस्थान, कोचिंग सेंटर, घरेलू अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा, ट्रेन सेवाएं 3 मई तक स्थगित रहेंगे। कोई भी बस और मेट्रो सेवा नहीं चलेगी। इस बीच बताया गया कि एक राज्य से दूसरे राज्य और जिले से दूसरे जिले तक लोगों की आवाजाही मेट्रो बस सेवाओं को 3 मई तक प्रतिबंधित किया गया है। लॉकडाउन 2 पर गृह मंत्रालय ने कहा कि किसी सभी सामाजिक, राष्ट्र और राजनीतिक, खेल, धार्मिक कार्य, धार्मिक स्थल, पूजा स्थल 3 मई तक जनता के लिए बंद रहेंगे। हॉटस्पॉट जो एरिया हैं उनमें किसी भी प्रकार की रियायत नहीं की जाएगी। कोरोना के हॉटस्पॉट एरिया में कोई रियायत नहीं दी गई है। इन इलाकों में स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइन का पालन किया जाएगा। साथ ही किसी को भी बाहर निकलने की इजाज़त नहीं होगी। आवश्यक सामानों की होम डिलीवरी होगी। एरिया की सुरक्षा में लगे जवान और मेडिकल स्टाफ का ही मूवमेंट होगा। किसानों को राहत दी है। इसमें लॉकडाउन में किसानों को बड़ी राहत मिली है। खेती के काम करने पर किसी तरह की पाबंदी नहीं है, कर सकते हैं, खेत में काम कर सकेंगे और गेहूं काट सकेंगे, उसे बेचने जा सकेंगे। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अनाज खरीदने वाली मंडियां खुली रहेंगी। इसके अलावा कटाई से जुड़े कृषि वाहन एक राज्य से दूसरे राज्य में बिना किसी पाबंदी के आ जा सकेंगे। ये गवर्नमेंट की, भारत सरकार की नई गाइडलाइंस है। इस गाइडलाइंस के अनुसार बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं। मैं शॉर्ट में आपको फिर बता देता हूँ। सारे स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे 3 मई तक। हॉटस्पॉट एरिया में किसी तरह की रियायत नहीं है, जहाँ पर कोरोना केस ज़्यादा हैं। इसके बाद जहाँ पर कोरोना केस कम है वहाँ पर कुछ रियायत हो सकती है 20 अप्रैल के बाद और 3 मई के बाद भी। गवर्नमेंट स्थिति के अनुसार वहाँ की देखेगी कि स्थिति क्या है। इसके बाद किसानों को राहत है कि वो अपनी खेती बाड़ी का काम कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें।